YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें। पत्रकारिता दिवस पर विशेष, पत्रकार के कार्यों और त्याग को बयां करती देश और समाज की दिशा और दशा। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। देश को चलाने में पत्रकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 30 मई यानी हिंदी पत्रकारिता दिवस 1826 का यह वही दिन था जब पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया था। पत्रकारिता दिवस के मौके पर चंद पंक्तियों के जरिए पत्रकार के कार्यों का वर्णित करने का प्रयत्न किया है। दीवानगी की हदों को पार करे जो, कलम कैमरे से प्रहार करे जो, सरकार बनाने बिगाड़ने की बात करे जो, सिस्टम सुधारने की बात करे जो, कभी दंगों में कभी बलवों में खबर पाने की फिक्र में, जनता को सच दिखलाने की जिद में, अपनी जान की फिक्र न करे जो, धन से वंचित ज्ञान से संचित बुद्धिजीवी कहलाए जो, अभावग्रस्त जीवन कर चौथे स्तंभ की संज्ञा पाए जो, सर्वनाम होकर रह जाए और पत्रकार कहलाए जो। लेकिन आज यह भी सच है कि उपरोक्त सभी गुणों से वंचित सत्ता शासन की गोद में बैठकर सारी सुविधाएं प्राप्त कर सिर्फ सत्ता शासन और सत्ताधारियों का महामंडन और सत्ता विरोधियों के खिलाफ सिर्फ नकारात्मक बातें लिखने वाला संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, देश और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने और समाज में जहर फैलाकर देश को कमजोर करने वाला एक बड़ा वर्ग भी अपने आप को पत्रकार कह रहा है। इसका हमें सशक्त विरोध करना चाहिए। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई पर सभी सम्मानित पत्रकार भाइयों बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और मुबारकबाद। सैयद शहनशाह हैदर आबदी, समाजवादी चिंतक, झांसी। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है सैयद शहनशाह हैदर आबदी। सर आप कहाँ के निवासी हैं? मैं काशाना हैदर लक्ष्मणगंज झांसी का निवासी हूँ। सर आप किसी और संस्था वगैरह से या किसी से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, मैं एक्चुअली समाजवादी चिंतक जी, और समाजवाद से ही जुड़ाव है, इसलिए समाज सेवा का काम करता रहता। सर आज पत्रकारिता दिवस है, पत्रकारिता दिवस को लेकर आप भी आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकारिता दिवस ने हमारे देश के देश में खासकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खुसूसन जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है वो बगैर पत्रकारों के अधूरा रह जाता है। 30 मई 1826 वो दिन है जब पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया था जी। लेकिन हकीकत कुछ और बयान कर रही है। हकीकत जो बयान कर रही है वो ये कह रही है कि जेम्स अगस्तस हिक्की साहब ने भारत में जो भारत में व्यापार करने आए थे जी, जी। लेकिन उनका व्यापार चला नहीं और उनके ऊपर उधार कर्ज होते रहे और वो मुकदमेबाजी में फंसे। उसके बाद वो जेल चले गए। जेल में उन्हें जेलर से जो उनकी मुलाकात हुई उसमें उन्हें बहुत किताबें पढ़ने को मिली, हिंदी किताबें पढ़ने को, और उन किताबों के बाद जब वो जेल से बाहर निकले तो उन्होंने पत्रकारिता शुरू कर दी और अखबार निकाला अपना, और जो अखबार निकाला उसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ जी और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बहुत कुछ लिखा अपने अखबार में, और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें दोबारा जेल में जाना पड़ा और तत्कालीन गवर्नर जो थे जनरल वॉरेन हेटिंग्स को भी उन्होंने नहीं बख्शा, उनकी बीवी के खिलाफ लिखा, उन्होंने लेखनी चलाई, विरोध का सेवा शोर बहुत बढ़ा, उन पर दबाव बनता गया, लेकिन उस दबाव के आगे वो झुके नहीं क्योंकि एक जिद्दी किस्म के इंसान थे, बराबर लौटते रहे। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हिक्की के लेखनी के शिकार हुए और ऐसा वक्त आ गया जब हिक्की मुकदमों के बोझ से के तले दब गए, उनका अखबार बंद हो गया और उन्हें जेल भेज दिया गया जी। स्वभाव से हिक्की जिद्दी थे, साथ ही उन्होंने ठान लिया कि अब कुछ भी हो वो ब्रिटेन वापस नहीं जाएंगे। अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेते हुए हिक्की का निधन 1820 में हो गया, जबकि हिंदी जो पत्रकारिता दिवस है वो 1827 30 मई से मनाया जाता है जी। और जहाँ तक पत्रकारों के
भूमिका का सवाल है। जी जी जी, हर समय में पत्रकारों ने समाज के उत्थान में, देश के उत्थान में, संसार के उत्थान में बहुत अहम भूमिका निभाई है। आज भी, आज तो हिंदी पत्रकारिता इतनी बढ़ गई है, इतने चैनल खुल गए हैं, इतने मतलब सैकड़ों की तादाद में अखबार हो गए हैं, सैकड़ों की तादाद में चैनल हो गए हैं, और पल पल के समाज की खबरें मिल रही हैं। जी, लेकिन अफसोस ये हो रहा है, सबसे बड़े अफसोस की बात जो है, ये जो पत्रकार हमारे लिए आईना होते थे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाते थे, कहलाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोगों ने अपने जमीर को बेच दिया और पूंजीवाद और सत्ता के आगे बिक गए और झूठी खबरें निकालने लगे, जो जनता को गुमराह करने लगे हैं। हमें इसके खिलाफ एक सशक्त आवाज उठानी होगी और ऐसे बेईमान पत्रकारों को रोकना होगा, तभी पत्रकारिता का मिशन सफल होगा, देश सफल होगा और पत्रकारिता दिवस मनाना सफल होगा। अच्छा, आपदी साहब, जैसे कि अभी प्रेजेंट में कोरोना का जो महामारी चल रही है, उसके संबंध में आप कोरोना वॉरियर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, पुलिस प्रशासन है? यकीनन कोरोना वायरस में जो कोरोना के हमारे वॉरियर्स हैं जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत त्याग की भावना से काम कर रहे हैं और निष्पक्ष भाव से काम कर रहे हैं, बगैर भेदभाव के काम कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है जो प्रशासन शासन की तरफ से है, जो सरकार की तरफ से है। आज इतने महीने गुजरने के बाद भी जो सुविधाएं इन डॉक्टरों को, इन मेडिकल स्टाफ को और ये अपने कोरोना वॉरियर्स को मिलना चाहिए पूरी प्रॉपर, वो आज भी नहीं मिल रही।